हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्वेस्टिंग विद शिवम में। इस वीडियो में मैं हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज का जो आईपीओ आ रहा है उसका एनालाइज करूंगा कि आपको इस कंपनी का जो आईपीओ आ रहा है उसको सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट अगर आप नहीं भी करना चाहते सब्सक्राइब, बट मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे कि मैं यूट्यूब पर ग्रो कर पाऊँ और साथ ही साथ मैं थोड़ा मोटिवेटेड भी रहूँ। अगर मतलब मुझे लोग सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो लाइक करेंगे तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता रहेगा ग्रो करने के लिए। और इस वीडियो को बनाने के लिए कम से कम मुझे 3 घंटा लगा है, मतलब डेटा कलेक्ट करने के लिए इस वीडियो के लिए। तो मतलब मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा उसके लिए, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं बता दूं आप किसी किस किस चीज़ के बारे में से बात करूंगा। मैं पहले आईपीओ डिटेल्स के बारे में बात करूंगा कि मतलब किस डेट को आईपीओ स्टार्ट होगा, कब खत्म होगा, कब शेयर्स आपको मिलेगा, कब लिस्ट होगा ये कंपनी स्टॉक मार्केट में। फिर जो इंडस्ट्री में कंपनी है उसके बारे में बात करूंगा। फिर इनके मैनेजमेंट के बारे में बात करूंगा, इनके फाइनेंशियल नंबर जो पिछले 2-3 साल के उसके बारे में बात करूंगा। कुछ नेगेटिव्स पॉइंट भी हैं जो मैंने देखा है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लास्ट में मैं अपने व्यूज भी दूंगा, साथ ही कुछ एक्सपर्ट की व्यूज है जो मैंने देखा है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये ओवरऑल कंटेंट रहेगा इस वीडियो के लिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहले स्टार्ट करते हैं आईपीओ डिटेल्स से। सो ये आईपीओ स्टार्ट होगा 7 को, 7 सितंबर मतलब मंडे को, और 9 को खत्म हो जाएगा, मतलब 7 से 9 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो एंकर पार्टिसिपेशन होता है, मतलब ये सब नॉर्मली क्या होता है बड़े इन्वेस्टर्स के लिए होता है, तो वो 4 सितंबर शुरू है, जिससे मतलब अगर आप रिटेल इन्वेस्टर है तो आपको उतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आईपीओ का हर एक शेयर का प्राइस बैंड है 165 से 166। तो जैसे मैं तो 166 पे अप्लाई करूंगा नॉर्मली, ज्यादा डिफरेंस है नहीं, 1 रुपये का डिफरेंस है वैसे देखिएगा इसमें। तो बेसिकली आपको एक शेयर के लिए अगर अप्लाई करना है तो या तो 165 पे लगा सकते हैं या 166 पे लगा सकते हैं। इस स्टॉक का फेस वैल्यू रहेगा 2 रुपीज। लॉट साइज 90 शेयर्स है, इसका मतलब कि आपको मिनिमम 90 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा। तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि आप अगर 166 एक शेयर का प्राइस है और 90 शेयर्स मिनिमम आपको अप्लाई करना है, तो अराउंड 15,000 रुपये आपके पास होने चाहिए अगर आपको आईपीओ के लिए अप्लाई करना है। उससे कम रहेगा, लगभग 13,000 रहेगा, 12,000 रहेगा, तो अप्लाई नहीं कर सकते आप। अगर आप आईपीओ कोटा देखिएगा तो क्यूआईबी जो होते हैं वो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए 75% है, जिसमें आप मतलब नहीं कर सकते सब्सक्राइब। एचएनआई मतलब होते हैं जिनका बहुत पैसा हो, मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जो कि मोस्टली आप नहीं होंगे मतलब मोस्टली, तो उनके लिए 15% कोटा है। और बच गया जो कोटा रिटेल के लिए 10%, मतलब रिटेल के आप देखिएगा तो कोटा बहुत कम है, बस 10% ऑफ ओवरऑल कोटा मतलब रिटेल के लिए है। तो डिमांड बहुत रहेगा, ओवर सब्सक्रिप्शन रिटेल कोटा में बहुत ज्यादा होगा मेरे अंदाज से। अगर आप कैटेगरी वाइज देखिएगा और देख सकते हैं, एंकर इन्वेस्टर से ये 315 करोड़ उठाना चाहते हैं, जो ऑलरेडी वो उठा चुके हैं। मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, ये ऑलरेडी हो चुका है, एंकर इन्वेस्टर वाला हो चुका है। क्यूआईबी से उठाएंगे अराउंड 210 करोड़, एनआईआई से उठाएंगे अराउंड 105 करोड़, और रिटेल से उठाएंगे बस 70 करोड़, सबसे कम। मतलब रिटेल में उतना ज्यादा नहीं है आप कोटा देखेंगे तो। और टोटल इशू देख सकते हैं, मतलब इस आईपीओ का टोटल इशू साइज जो है 702 करोड़ का है बेसिकली, और इतने सारे शेयर्स दिए जाएंगे इस आईपीओ से। और अब और कुछ और डेट्स है यहाँ पे, सितंबर 14 को बेसिकली अलॉटमेंट फाइनल हो जाएगा। टिपिकली आपको मैसेज आ जाएगा कि आपको मिला है या नहीं मिला है, या कुछ साइट पे जाके आप देख सकते हैं आपका अलॉटमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। 15 को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएगा बेसिकली, ऐसे लिखा है यहाँ पे, शेयर्स क्रेडिट हो जाएगा। 17 को इसका लिस्टिंग होगा, और 17 को स्टॉक मार्केट में एक्चुअली लिस्टिंग होगा। उस दिन अगर मतलब पता चलेगा कि जैसे इनका प्राइस तो प्राइस बैंड 166 है, तो अगर बहुत ज्यादा डिमांड रहा शेयर्स के लिए तो हो सकता है 200 पे लिस्ट करे, 300 पे लिस्ट करे, वो पता चलेगा 17 को। उसके बाद अगर आपको बेचना है तो आप बेच सकते हैं प्रॉफिट लेके, या आप होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। चलिए अब कंपनी के बारे में बात करते हैं थोड़ा, मतलब क्योंकि कंपनी को जानना बहुत जरूरी है कि अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं शेयर्स को, तो आपको कंपनी को जानना जरूरी है, नहीं तो आप होगा कि उसी दिन बेच देंगे प्रॉफिट में। तो थोड़ा बता देता हूँ आपको। तो देखिए, ये कंपनी जो है ये मतलब डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करती है, तो आईटी कंपनी है बेसिकली। इंडिया में बहुत सारे आईटी कंपनीज है, बट ये थोड़ा डिफरेंट है और सब आईटी कंपनी से, आपको मैं बताऊंगा कैसे डिफरेंट है। तो देखिए, इनका डिजिटल बिजनेस है, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग का बिजनेस है, और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट का बिजनेस है, ठीक है। इसमें इनके बहुत सारे डोमेन्स हैं, जैसे रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन है, सॉफ्टवेयर डिफाइन नेटवर्किंग है, फिर बिग डेटा है, एनालिटिक्स है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, क्लाउड है, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी है, ठीक है। मतलब इनके बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, थोड़ी देर में आपको मैं समझाता हूँ कितना कितना रेवेन्यू सारे सेगमेंट से आता है। और एक चीज में ये कंपनी क्यों डिफरेंट है मैं बता रहा हूँ दूसरे कंपनी से, क्योंकि इनका 97% जो रेवेन्यू है वो डिजिटल सर्विस से आता है। मतलब जो टिपिकली जो इंडिया में कंपनी है, टीसीएस हुई और भी जो कंपनी है विप्रो हुई, इन लोग का मोस्टली क्या है ना, लिगेसी सर्विस से ज्यादा पैसा आता है। लिगेसी सर्विस मतलब क्या होता है ना, आजकल डिजिटल सर्विस क्या है, बहुत सारे बिग डेटा हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया, ये सब मतलब मॉडर्न सर्विसेज है, मॉडर्न आईटी सर्विसेज है जो बहुत फास्ट ग्रो कर रही है। कुछ ट्रेडिशनल सर्विस भी हैं जो, जैसे पहले ट्रेडिशनली क्या होता था, ये सब सर्विस नहीं था आपके पास, राइट, बिग डेटा नहीं था,
इंटरनेट ऑफ थिंग्स नहीं था ये सब, तो दूसरे तरह से मैनेज किया जाता था सर्विस सबको। तो मोस्ट इंडियन आईटी कंपनीज अभी भी मतलब लेगेसी सर्विसेज ज्यादा प्रोवाइड करती हैं कंपेयर टू डिजिटल सर्विस। तो ये इन्होंने लिखा भी, दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट अमाउंट इंडियन आईटी कंपनीज। थोड़ा और आपको मैं बताता हूँ थोड़ी देर में इसके बारे में। जब देख सकते हैं लेगेसी आईटी वर्सेस डिजिटल आईटी, तो देखिए लेगेसी आईटी में भी हार्डवेयर स्टैक होता है, सॉफ्टवेयर स्टैक होता है, बट यहाँ पे क्या होता है कि जो ओल्ड टाइप की टेक्नोलॉजी है वो यूज करते रहते हैं मैनेज करने के लिए सर्विस सबको, नॉट द मॉडर्न जो टेक आ गया है अभी। बट जो डिजिटल आईटी होता है इसमें भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मतलब सर्विस यूज करते हैं, बट यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जैसे बिग डेटा, आईओटी, बहुत सारे जो होता है जो मॉडर्न होता है वो सब यूज कर, डेटा एनालिटिक्स हो गया, ये सब यूज करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लेगेसी आईटी जो है सर्विसेज है वो बहुत स्लो ग्रोथ कर रहा है 2.35% पे, और अगर आप मॉडर्न आईटी देखिएगा मतलब डिजिटल सर्विसेज देखिएगा वो देखिए 20% सीएजीआर पे ग्रो कर रहा है, क्योंकि बहुत ही बड़ा मतलब ग्रोथ बहुत ही फास्ट है यहाँ पे, मार्केट बहुत जल्दी यहाँ पे बढ़ रहा है, इसीलिए कंपनी थोड़ा डिफरेंट है। फिर अगर आप ग्लोबल आईटी स्पेंड देखिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं। सो ये सारे जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया ना सर्विस है, जैसे बी आरपी हो गया, जो मैंने आपको बताया था राइट, आरपी यहाँ पे फुल फॉर्म है राइट, यहाँ पे देख सकते हैं रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन राइट, और AI AI ML हो गया, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स राइट, क्लाउड कंप्यूटिंग, आईओटी। सो ये सब क्या, ये सब मॉडर्न डिजिटल सर्विसेज है राइट, और ये आप देख सकते हैं सीएजीआर ऑफ 20% पे ग्रो कर रहा है, और जो लेगेसी आईटी सर्विसेज है वो उतना फास्ट 3% पे ही ग्रो कर रहा है। इनके तीन डिवीजन है बिजनेस के, एक है डिजिटल सर्विस बिजनेस सर्विस सॉरी डिजिटल बिजनेस सर्विसेज जो शॉर्ट फॉर्म में डीबीएस कहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि कोई कंपनी ऐसी है, मान के चलिए हेल्थ केयर में एक ऐसी कंपनी है जिसे डिजिटल मतलब डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करना है राइट, तो उनके लिए ये क्या कर सकते हैं, उस कंपनी को डिजिटलाइज कर सकते हैं, मतलब उन्हें डिजिटल सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं उस कंपनी को, देख सकते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं दूसरी कंपनी का, फिर डेटा एनालिसिस भी कर सकते हैं, मतलब जो होता है डेटा क्वालिटी ऑफ द कस्टमर प्लेटफॉर्म। सो जैसे कोई भी कंपनी होता है उनका बहुत डेटा होता है राइट, जैसे कोई भी कंपनी मान लीजिए कोई हेल्थ केयर में कंपनीज है, ऑटोमोबाइल्स कंपनी है, सबके पास डेटा होता है राइट, ये डेटा को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और उनको एनालाइज करके बता सकते हैं ये करिए आप, ये नहीं कीजिए, ये सब चीज़। और लास्ट में है कि अगर उन्हें अपने सर्विसेज को क्लाउड पे माइग्रेशन करना है तो उसमें भी हेल्प कर सकते हैं, ये इनका डीबीएस का बिजनेस है। दूसरा है प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज PES। तो यहाँ पे क्या है कि ये क्या कर सकते हैं कि अगर आपको आपको मान के चलो किसी कंपनी को कोई नया प्रोडक्ट लाना है तो उसके डिजाइन में, उसे बनाने में, उसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सारे नॉलेज प्रोवाइड ये कर सकते हैं उनको, वो सर्विस को बिल्ड करने में मतलब प्रोडक्ट को बिल्ड करने में भी ये हेल्प कर सकते हैं, वो इनका दूसरा सर्विस है। तीसरा जो है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी सर्विसेज का। तो तीसरा क्या होता है, तीसरा टिपिकली क्या है कि सपोर्ट सर्विस है, जैसे अगर कोई सर्विस पहले से रन कर रहा है तो उसमें ये मॉनिटरिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ अगर खराब हो गया उस सर्विस में तो ये बेसिकली हैंडल करेंगे उसे। जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आईटी ऑपरेशन है, डेव सेक ऑप्स का ऑपरेशन जो होता है, बेसिकली यहाँ पे क्या ये ऑपरेशन है बेसिकली, मतलब सपोर्ट यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे बेसिकली, ये तीन इनका मेन बिजनेस है। अगर आप इनका डिजिटल पहले डिजिटल बिजनेस सर्विसेज देख सकते हैं तो यहाँ ये जो है 20% पे ग्रो कर रहा है, मतलब देखिए अब तीन कैटेगरीज है, मैं तीनों को आपको बताता हूँ कितना कितना पे ग्रो कर रहा है। तो पहला जो है डिजिटल देख सकते हैं, डिजिटल बिजनेस जो है मतलब वही जैसे बताया मैंने बिग डेटा एनालिटिक्स मोबाइल राइट, ये सब यूज करके मतलब अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना कस्टमर्स को, ट्रांसफॉर्मेशन करना सर्विसेज को राइट, डिजिटली ट्रांसफॉर्म करना, ये सब है इनका। तो आजकल सब सर्विसेज आप देखेंगे मतलब जो भी पहले लिगेसी सर्विस मतलब जो सर्विसेज नहीं थे डिजिटल पे राइट, सारे सर्विस आप डिजिटल आ रहे हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, पहले आप मतलब अगर आपको टैक्स फाइल करना है राइट, तो पहले आपको पेपर पेन लेके जाना पड़ता था, फाइल करना पड़ता था, अभी क्या है कि आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे राइट, बहुत सारे बिजनेस अब डिजिटल ट्रांसफॉर्म्ड हो गए हैं, तो इनका ये वन ऑफ द मेन बिजनेस है यहाँ पे। दूसरा जो है प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विस का बिजनेस है, जो मैंने आपको बताया बेसिकली प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करते हैं कि डिजाइन कैसा होना चाहिए प्रोडक्ट का, फिर सारी मतलब पूरा हेल्प करते हैं उसमें बनाने में प्रोडक्ट को। तो ये मार्केट आप देख सकते हैं अराउंड 11% सीएजीआर पे अराउंड ग्रो कर रहा है, क्योंकि तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ है इसमें भी। तीसरा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट है सिक्योरिटी सर्विसेज, जिसमें मैंने बताया कि थोड़ा आईटी सर्विसेज मतलब ऑपरेशंस प्रोवाइड करना थोड़ा, तो ये अराउंड 10.44% पे ग्रो कर रहा है, और इसमें एक सेगमेंट है आरपीए, मतलब इनका ज्यादा पैसा आरपीए से आता है, मतलब नहीं मतलब इन्होंने लिखा है कि आरपी से उतना पैसा आता नहीं है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, इतना ज्यादा नहीं आता है, बट क्या है कि आरपीए बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, मतलब ओवरऑल ये सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट 10.44 पे ग्रो कर रहा है, पर इसमें इसका एक सबसेट है आरपीए जो कि 25% पे ग्रो कर रहा है। सो इनका बाद में जाके इससे अच्छा पैसा आ सकता है, ग्रोथ इसमें बहुत फास्ट हो सकता है। तो
चलिए अभी आप कंपेयर करते हैं। देखिए, अब मैंने आपको बता दिया इनका सेगमेंट क्या क्या था, कहाँ कहाँ से पैसा आता है, राइट। अब मैं इनका कंपैरिजन करता हूँ दूसरी आईटी कंपनी से, ठीक है। अब देखिए, मैं इंडिया से ही कंपेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया में कोई ऐसी कंपनी है ही नहीं जो पूरी डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करती हो। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे मैं यहाँ पे इंडिया के बाहर के कंपनी से भी कंपेयर कर रहा हूँ, जैसे ग्लोबेंट है, ईपीएम है, इंडेवा है और हैप्पीस्ट माइंड्स, ऑफ कोर्स जो कंपनी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। तो इनका, क्योंकि ये सब जो कंपनीज है ना, ग्लोबेंट, ईपीएम, ईपैम और इंडेवा, इन लोगों का पूरा पैसा डिजिटल सर्विस से आता है। पर जो एसेंचर है, माइंडट्री हो गया, इंफोसिस हो गया, कॉग्निजेंट हो गया, राइट, इन लोगों का कम पैसा आता है डिजिटल सर्विस से। आप देख सकते हैं जैसे कि एसेंचर का 65% ही पैसा आता है डिजिटल सर्विस से, माइंडट्री का 49% पैसा आता है और सब कंपनीज का और भी कम है। तो हैप्पीएस्ट माइंड्स का डिजिटल सर्विसेज से बहुत ज्यादा पैसा आता है, 97% पैसा आता है। इसलिए मैं सारी कंपनी से यहाँ कंपेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे चलिए बाहर के कंपनी से कंपेयर करते हैं क्योंकि इंडिया में कोई कंपनी है नहीं जो पूरी डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करती हो, मतलब 97-98%। तो आप देख सकते हैं कि और सब कंपनी बहुत बड़ी है। मतलब अगर आप देखें ग्लोबैंड देखिएगा तो 4.54 बिलियन मार्केट कैप है, ईपीएम का 12.61 है और इंडिया का थोड़ी छोटी है, अराउंड 2.53 पे है। हैप्पीएस्ट माइंड्स का कोई मार्केट कैप है नहीं क्योंकि अभी तक लिस्टेड हुई नहीं है। इंप्लॉयज में भी देखिएगा तो मतलब हैप्पीएस्ट माइंड्स क्या स्मॉल कैप कंपनी है और सब कंपनी बहुत बड़ी है इनसे। डिलीवरी मॉडल देखिएगा तो ऑलमोस्ट सेम है कम्पेयर टू अदर कंपनीज। डिजिटल में देखिएगा तो और सबका 100% पैसा आता है डिजिटल से, पर इनका 97% आता है जो क्लोज टू 100% है, राइट। रेवेन्यू देखिएगा तो ऑफकोर्स ये स्मॉल कैप कंपनी है, तो इनका 53 मिलियन डॉलर्स आता है और सब कंपनी का ज्यादा आता है। पर रेवेन्यू ग्रोथ देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यू ग्रोथ में इनका 17.21% ग्रो कर रहा है हैप्पीएस्ट माइंड का पिछले 4 साल में, और सब थोड़ा ज्यादा फास्ट ग्रो कर रही है इससे। मतलब इनके पास और भी स्कोप है फास्ट ग्रो करने का। मार्जिन देखिएगा तो ऑलमोस्ट सेम है, ऑपरेटिंग मार्जिन इनका थोड़ा सा कम है, मेरा 10.78% है और सबका ज्यादा है क्योंकि और सब कंपनी थोड़ा बिग है इनसे। एबिटा मार्जिन भी आप देख सकते हैं इनका थोड़ा कम है, 15.80 कंपेयर टू अदर कंपनीज, क्योंकि थोड़ी स्मॉल कैप कंपनी है इसलिए ये रीजन हो सकता है। बट हाँ, आरओसी और आरओई देखिएगा तो इनका ज्यादा है और सब दूसरी कंपनी से, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय और रिटर्न इक्विटी, जो कि अच्छी बात है। और देखिए इनका कितना कितना पैसा किस सेगमेंट से आता है, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर या क्लाउड से इनका 40%, सॉरी 2020 का देखते हैं तो 31% पैसा आता है, और 3 मंथ एंडेड जून दो मतलब तीस मतलब पिछले 3 मंथ में आप देखिएगा तो 43% पैसा डिजिटल क्लाउड और इंफ्रास्ट्रक्चर से आया है, मतलब मोस्ट पैसा इनका इससे आता है। फिर सास से देखिएगा तो यहाँ से अराउंड 23% आता है जो कि सेकेंड हाईएस्ट है अराउंड, और लास्ट में सिक्योरिटी, सॉरी लास्ट नहीं, सिक्योरिटी सॉल्यूशन से अराउंड ज्यादा नहीं आता है, 10% सात मतलब 10% वैरी करते हैं, 10-15% आते रहता है इससे, बट मोस्टली इनका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सास से आता है, जो ऑलमोस्ट लाइक 50% इनका, नहीं 50 नहीं 60% पैसा इसी से, इस जोन से आता है। आईओटी और एनालिटिक्स नया है, उससे भी कम ही आता, ज्यादा नहीं आता है। कस्टमर्स देखिएगा इनका तो मतलब बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करते हैं, राइट, इनके बहुत सारे कस्टमर्स होंगे डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, तो एजुकेशन में, राइट, एडुटेक, मतलब आजकल ऑनलाइन एजुकेशन बहुत मतलब डिमांड में है, राइट। तो मोस्ट पैसा इनका आप देख सकते हैं इस इंडस्ट्री से आता है, अराउंड 27% पिछले क्वार्टर में आया है। हाईटेक से देखिएगा तो 20% आया है, बैंकिंग सेक्टर से देखिएगा 17% आया है, ट्रैवल मीडिया से देखिएगा, इंटरटेनमेंट से देखिएगा 12% आया है, और सब रिटेल, इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग से बहुत कम है, 5-6% इन सबसे भी आता है। मतलब इनका मोस्ट पैसा क्या आता है, एडुटेक से आता है और हाईटेक से आता है और बैंकिंग से आता है, ट्रैवल मीडिया से भी अच्छा खासा 12% आ जाता है। कस्टमर्स देखिएगा सबसे ज्यादा यूएसए से कस्टमर्स है, 77% कस्टमर मतलब इनके यूएस में है, मतलब 77% पैसा देख सकते हैं मतलब यूएस से आता है। इंडिया से 10% कस्टमर्स है बेसिकली इनके, यूके से 9.8% है। तो हाँ, यहाँ पे थोड़ा ये है कि ओवर डिपेंडेंट है यूएसए पे, सो यूएसए में अगर कुछ भी हुआ, कुछ भी बैड हुआ तो इन पे इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा मैं कहूँगा थोड़ा सा नेगेटिव है, क्योंकि और सब आईटी कंपनीज को मैंने देखा है उनका मतलब डाइवर्सिफिकेशन अच्छा रहता है, थोड़ा इंडिया से रहता है, थोड़ा यूएसए से रहता है, थोड़ा यूरोप से रहता है, तो उनका ज्यादा अच्छा है, इनका उतना अच्छा नहीं है इसमें। फाइनेंशियल नंबर्स देख लेते हैं, मतलब कैसा कैसे इनका रेवेन्यू, इनका प्रॉफिट रहा है पिछले 3 साल का, ये नंबर्स है। आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू अच्छा खासा ग्रो किया है, अराउंड 17% पे 462 से 700 करोड़ हो गया है। अदर इनकम तो छोड़ दिया, उतना ज्यादा है नहीं। एबिटा देखिएगा तो शुरू में बहुत कम हुआ करता था, वो बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, राइट। 7 करोड़ था FY18 में, 66 हो गया FY19, 113 हो गया FY20 में। सिमिलरली अदर नंबर्स भी देख सकते, सारे मतलब सारे नंबर्स देख लीजिए, नेट प्रॉफिट देख लीजिए, पहले निगेटिव हुआ करता था, अब पॉजिटिव हो गया, फिर और ज्यादा पॉजिटिव हो गया, मार्जिन इंप्रूव हुए बहुत ज्यादा, मतलब सारे नंबर्स में इंप्रूवमेंट दिख रहा है। फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसिस ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, थोड़ा सा हुआ है, 356 से 385 हुआ, फिर 441 हुआ,
ऑफ कोर्स थोड़ा रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है तो थोड़ा मतलब इन्हें ज्यादा इम्प्लॉयज मतलब हायर भी किया होगा इन्होंने। एक चीज थोड़ा सा एक चीज बताऊंगा बाद में, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए ईपीएस पे देखिए तो अर्निंग पर शेयर पहले निगेटिव हुआ करता था, मतलब 2018 में कंपनी के प्रॉफिट्स थे नहीं, लॉस में थी, 19 में प्रॉफिटेबल हो गई और 20 में तो और ज्यादा प्रॉफिट बढ़ गया। बट एक चीज यहाँ देखिए इनका जो डायल्यूशन हो रहा है अर्निंग पर शेयर है वो ज्यादा है थोड़ा। देखिए बेसिक ईपीएस 7 है पर डायल्यूटेड 5 है, इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे शेयर्स हो सकता है इंप्लॉयज को दे रहे हो या कहीं जा रहा है, मतलब इसलिए इनका डायल्यूटेड ईपीएस बहुत मतलब डिफरेंस है बेसिक ईपीएस और डायल्यूटेड ईपीएस में, क्योंकि तो थोड़ा सा नेगेटिव है मेरे अनुसार से, बहुत डायल्यूशन हो रहा है इनकी इक्विटी का। सो पहले मैंने बताया था राइट कि इन्होंने कुछ कंपनीज को एक्वायर किया है, तो जब आप कंपनी को एक्वायर करते हैं मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी को एक्वायर करती है या खरीदती है तो क्या होता है कि आप उनके एसेट्स के लिए तो पे करते हैं, मतलब उनके बिल्डिंग्स के लिए, ऑफिस के लिए और सब चीज के लिए तो पे करते हैं, बट आपको उनके कस्टमर्स के लिए, उनके ब्रांड्स के लिए, ये सब के लिए पे करना पड़ता है थोड़ा ज्यादा, मतलब वो वही होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने थोड़ा ज्यादा पे किया है हमेशा, तो देख सकते हैं कि इनका ओवरऑल इंटेंजिबल एसेट्स अराउंड 2,500 करोड़ हुआ करता था 18 में, 19 में भी इतना था और मतलब थोड़ा चेंज होते रहा है ऐसा आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें कस्टमर देखिए मैंने जैसे बताया जैसे कस्टमर जो ये खरीद रहे हैं राइट, जब ये दूसरी कंपनी को खरीदते हैं तो उनके कस्टमर्स को भी खरीदते हैं राइट, उनके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को खरीदते होंगे, तो ये सब के लिए भी इन सबको इंटेंजिबल एसेट्स में माना जाता है राइट। तो इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं एक चीज इसमें निगेटिव क्या है कि देखिए अब क्या होता है कि शुरू में आप कभी कभी क्या होता है ज्यादा पे कर देते हैं दूसरी कंपनी को खरीदने के लिए, तो यहाँ पे ये दिख रहा है क्योंकि इन्होंने ज्यादा पे किया है तभी तो इन्होंने मतलब यहाँ देख सकते हैं इंपेयरमेंट चार्ज देख सकते हैं 761 करोड़ का इंपेयरमेंट चार्ज था जैसे कि यहाँ 19 में, और ओवरऑल आप देखेंगे कि इन्होंने 1,800 करोड़ का मतलब इंपेयरमेंट चार्ज रहा है मतलब इनका ओवरऑल, क्योंकि थोड़ा ज्यादा है राइट, मतलब इन्होंने थोड़ा ओवर पे किया है उन कंपनीज को एक्वायर करने के लिए, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है यहाँ पे। मतलब इनका जो इनटेंजिबल एसेट्स है या इसे गुडविल भी कहते हैं यहाँ पे, गुडविल जो है वो थोड़ा हाई है मैंने जैसे देखा इनके एसेट्स के अंदर, तो बाद में भी ऐसा हो सकता है कि इन्हें लगे कि मतलब इस कंपनी का वर्थ उतना नहीं है तो बाद में भी इम्पेयरमेंट चार्ज हो सकता है जिससे कि थोड़ा प्रॉफिट में आपको मतलब प्रॉफिट कम दिखेगा उसके कारण। और ज्यादा अगर आपको जानना है इसके बारे में इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में तो मैंने एक वीडियो बनाया है टाटा कंज्यूमर को जब रिव्यू किया है उसमें मैं इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ कि इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, वो वीडियो आप देख सकते हैं। एक और निगेटिव क्या है कि इनका ट्रेड जो रिसीवेबल्स होता है मतलब कि क्या होता है कि इन्होंने मतलब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तो ले लिया है बहुत कंपनी से राइट, बट मेन मैटर क्या करता है जब पैसा आ जाता है राइट, काम करने का पैसा आ जाता है तो इनको बहुत सारा पैसा अभी भी नहीं मिला है, मतलब हर साल होता है कि देखिए तो ये लैक्स में है तो 18 में अराउंड 87 करोड़ का मतलब करोड़ में कन्वर्ट कर दूं 87 करोड़ रिसीवेबल्स था, 19 में अराउंड 27 करोड़ था और 20 में तो 14 करोड़ था, मतलब इनको थोड़ा लेट से पेमेंट हो रहा है मतलब जो भी ये काम कर रहे हैं थोड़ा, तो ये भी थोड़ा सा निगेटिव है क्योंकि मैंने और सब आईटी कंपनीज को देखा है उनका थोड़ा सही रहता है उतने ज्यादा ट्रेड रिसीवेबल्स उतना हाई रहता नहीं है उनका, बट हाँ कुछ स्मॉल कैप कंपनीज के साथ मैंने देखा है उनका नॉर्मली थोड़ा हाई रहता है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी जब आप थोड़ा स्मॉल रहते हो राइट उतना आप वो नहीं कर पाते राइट, मतलब टीसीएस जैसे एग्जाम्पल टीसीएस बहुत बड़ी कंपनी है उनका रेपुटेशन बहुत हाई है तो वो लोग अच्छे से मतलब नेगोशिएट कर लेते हैं, बट स्मॉल कंपनी का थोड़ा टफ होता है करना। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है आप सब्सक्राइब करें या नहीं करें राइट, अब मैंने आपको पूरा बता दिया कि बिजनेस क्या है, कहाँ से पैसा आता है, किस किस सेगमेंट में कंपनी है, थोड़ा निगेटिव सी बता दिया जैसे इनका इंटेंजिबल एसेट्स थोड़ा हाई है और इन्होंने इम्पेयरमेंट भी लिया है उस पे, मतलब थोड़ा ओवर पे किया है अपने जो इन्होंने एक्विजिस मतलब जो इन्होंने खरीदा है राइट बाहर कंपनी उसमें थोड़ा ओवर पे किया है। अब देखिए आप बताता हूँ आपको सब्सक्राइब करना है चाहिए नहीं करना चाहिए, उससे पहले थोड़ा आपको बता देता हूँ एक्सपर्ट की व्यूज क्या है ठीक है। तो ये मैंने इकोनॉमिक टाइम से लिया है, तो ऐसे अभी प्राइस टू अर्निंग आप देखिएगा कि 2020 के अगर अर्निंग जो था 2020 का उसके अकॉर्डिंग प्राइस टू अर्निंग अराउंड इनका 26 हो जाता है जो कि कंपेरेबल है अगर आप देखेंगे और स्मॉल कैप और मिड कंपनी जैसे एलटीआई माइंडट्री कॉफोर्ज राइट, तो ये क्योंकि इनका ग्रोथ ज्यादा है तो प्राइस टर्निंग थोड़ा ज्यादा रहता है। और अगर आप देखिए जैसे एनालिस्ट का मतलब नॉर्मली क्या जो एनालिस्ट है बहुत सारे उनका थोड़ा मिक्स्ड रहा है इस पे, जैसे कि मतलब एक जैसे यहाँ पे एक देख सकते हैं विनोद नायर ऑफ अजियोजित फाइनेंस सर्विस, उनका व्यू देख सकते हैं कि उन्होंने बोला है कि प्राइसिंग ऑफ द इशू इज वेरी हाई, मतलब उनका कह रहा है प्राइस ज्यादा हाई है और उन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म पे उतना अच्छा अट्रैक्टिव नहीं है प्राइस। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि कंपनी का ग्रोथ अच्छा रहा है मतलब पास्ट में और आजकल डिमांड ज्यादा है मिड कैप और स्मॉल कैप आईटी कंपनीज के लिए, तो इन्होंने लिखा है कि इन्वेस्टर कैन कंसीडर फॉर शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म बेसिस, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए कंसीडर किया जा सकता है इसे, तो ये इनका व्यू है। अब आस्था जैन जो कि मतलब हेम सिक्योरिटीज से है उनका व्यू बता देता हूँ। सो इनके अनुसार से मतलब देखिए अगर आप प्राइस टू अर्निंग अगर आप FY20 के अर्निंग से देखिएगा तो अराउंड 26 का होता है ठीक है,
बट अगर आप लास्ट क्वार्टर का देखिएगा, मतलब क्वार्टर वन FY21 के EPS के बेसिस पे अगर आप प्राइस अर्निंग देखिएगा तो बस 12 का हो जाता है प्राइस टू अर्निंग। क्यों? क्योंकि पिछले क्वार्टर में बहुत अच्छा इनका अर्निंग्स रहा है तो प्राइस अर्निंग और कम हो गया जो कि 12 हो गया, क्योंकि वो सस्ता है राइट। अगर आप मतलब फ्यूचर, अगर आप फ्यूचर के प्राइस अर्निंग देखिएगा तो सस्ता है राइट, 12 का प्राइस अर्निंग हो जाता है। अगर आप पास्ट का देखेंगे मतलब FY19-20 का, तो थोड़ा सा 26 पे रहता है, थोड़ा सा महंगा लगता है। अब देखिए इन्होंने कहा है कि कंपनी का ग्रोथ बहुत अच्छा रहा है लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में, जो कि मैंने ही बताया आपको। और इनका जो क्या है कि स्ट्रॉन्ग ब्रांड है डिजिटल आईटी सर्विस में, जो कि बहुत मतलब हाई ग्रोथ है और मतलब अच्छा पैसा वहां से आता है। और इन्होंने ये भी बताया कि स्केल मतलब बिजनेस अच्छे से स्केल कर सकता है यहाँ पे, क्योंकि डिजिटल बिजनेस है तो स्केल करना ईजी होता है। और इन्होंने लिखा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी इनका अच्छा है, तो इन्होंने लिखा है सब्सक्राइब करने के लिए फॉर बोथ शॉर्ट टर्म और एंड लॉन्ग टर्म, इनका व्यू ये। ये दोनों व्यू था मतलब एक्सपर्ट्स का। और एक और चीज़ है कि ग्रे मार्केट परफॉर्मेंस भी है, मतलब जैसे IPO का अनाउंसमेंट हुआ है तो देख सकते हैं कि ग्रे मार्केट जो होता है बेसिकली जो अनऑफिशियल मार्केट होता है उसमें क्या हुआ, इसका प्राइस राइज हो गया 115-125 रुपीज पर शेयर राइज हो गया है, मतलब बहुत ज्यादा प्रीमियम मिल रहा है इस ग्रे मार्केट में। तो मोस्टली डिमांड शेयर्स का IPO में अच्छा होगा। अब मेरे अंदाज से मेरा व्यू ये है कि लिस्टिंग प्राइस भी थोड़ा अच्छा होगा, मतलब अच्छा होना चाहिए। फिर यहाँ पे देख सकते हैं नरोत्तम धरवत ऑफ धरवत, उन्होंने कहा है कि मतलब बिजनेस जो नीस बिजनेस है, मतलब कि इनका देखिए डिजिटल सर्विस में राइट, और सब कंपनीज लेगेसी सर्विस में है, तो थोड़ा इनका बिजनेस थोड़ा डिफरेंट है और सब कंपनीज से, और इनके पास प्राइसिंग पावर अच्छा हो सकता है। फिर ऐसे अभय दोषी जो कि मतलब अनलिस्टेड शेयर से डील करते हैं, उन्होंने बोला है कि मतलब सारे चेक बॉक्स जो है उसको ये टिक कर जाता है और अच्छा ग्रोथ स्टॉक्स हो सकता है फ्यूचर के लिए। और इन्होंने बोला है कि जस्ट आप लिस्टिंग गेन्स के लिए मत कीजिए, अगर आप लकी हैं आपको स्टॉक मिल जाता है IPO में, तो आप बस मतलब अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को रखिए लॉन्ग टर्म के लिए, बस ये नहीं कि मतलब अच्छा प्रीमियम मिल गया आपको अच्छे प्राइस पर लिस्ट हुआ तो आप भेज दें, इनका व्यू ये है। चलिए एक और चीज बता देता हूँ कि इनका एंकर आपको बताया था शुरू में राइट, कि एंकर इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है राइट, 300 करोड़ का राइट एंकर इन्वेस्टमेंट जो हो रहा था, तो वो ऑलरेडी हो चुका है 300 करोड़ का। और उसमें एंकर इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनको 166 के प्राइस पे स्टॉक्स मिल चुका है मतलब। और देखिए इनके एंकर, सो एंकर इन्वेस्टर्स क्या होते हैं ना, वो इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको आई थिंक 1 मंथ तक वो ये शेयर्स को सेल नहीं कर सकते हैं, 1 मंथ के बाद ही कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एंकर कौन कौन एंकर इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने किया है, पैसिफिक हॉरिजन इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ने किया, मतलब ये सब बाहरी कंपनी है, और आदित्य बिरला सनलाइफ म्यूचुअल फंड ने किया, एक्सिस म्यूचुअल फंड ने किया, गोल्डमैन सैक्स ने किया, HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने किया, फ्रैंकलिन, मतलब आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे एंकर इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी में जो इनका कोटा था एंकर इन्वेस्टमेंट का IPO का कोटा था उसमें इन्वेस्ट किया है राइट। बहुत सारे बाहर की कंपनी, कुवैत इन्वेस्टमेंट बाहर की कंपनी है, फिडेलिटी बाहर की कंपनी राइट, इन लोगों ने इन्वेस्ट किया है। अब मैं लास्ट में आपको मैं अपना व्यू बता देता हूँ कि मेरा व्यू क्या है मतलब IPO को लेके। तो देखिए रिटेल कोटा तो थोड़ा कम है, अराउंड 10% का है, तो बहुत ज्यादा डिमांड रहेगा शेयर्स का मेरे अनुसार से, ओवर सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा हो सकता है, और मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे प्राइस पे लिस्ट भी करेगा, मतलब अच्छे प्रीमियम पे लिस्ट भी करेगा, मतलब 165 का अगर प्राइस है 166 का, तो अच्छा खासा मुझे लगता है लिस्टिंग गेन्स होना चाहिए। और मतलब एक रेयर डिजिटल कंपनी है मतलब इंडिया में आप देखिएगा तो, और सब लेगेसी IT कंपनी है जैसे, और कोई भी देख लीजिए इन्फोसिस हो गया, TCS हो गया, विप्रो हो गया, उन लोग का मोस्ट पैसा लेगेसी बिजनेस से आता है, डिजिटल सर्विस से नहीं आता है। और वो कंपनीज मतलब बड़ी कंपनीज भी ट्राई कर रही है डिजिटल सर्विस एक्सपैंड करने का राइट, और इनका पहले से ही एक्सपैंडेड ऑलरेडी है, तो बहुत अच्छी बात है। इनका परफॉर्मेंस इंप्रूव कर रहा है, पिछले 3 साल से आपने देखा होगा पहले इनका लॉस हुआ करता था, अब अच्छा खासा प्रॉफिट है। इनका मार्केट आप देख सकते हैं जो डिजिटल सर्विस का मार्केट है 20% ग्रो कर रहा है, तो बहुत फास्ट ग्रो कर सकता है इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट फ्यूचर में। ओवर सब्सक्रिप्शन पर मेरे से रहना चाहिए मोस्टली मेरे अनुसार से। इनके फाउंडर्स का रेपुटेशन बहुत अच्छा है, इनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, इनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत अच्छा है, जैसे आपको मैंने बताया राइट, इनके जो चेयरमैन है वो पहले विप्रो में मतलब विप्रो के मैनेजमेंट टीम में थे, माइंडट्री के वन ऑफ द फाउंडर्स थे राइट, तो वो बहुत अच्छी बात है। और मेरा व्यू भी रहेगा कि मतलब मैं खुद सब्सक्राइब मतलब मैं खुद मतलब जितने शेयर्स मिलने हैं मैं तो खुद ट्राई करूंगा, मतलब IPO में मतलब बेसिकली IPO में मतलब अप्लाई करने का, खुद अप्लाई करूंगा मैं IPO में। और मेरा व्यू ये रहेगा कि अगर आपको पैसा मिल भी जाता है तो लॉन्ग टर्म के लिए रखिए आप, मतलब अगर आपको प्रॉफिट चाहिए ऐसी तो आप सेल कर सकते हैं गेंस पर डायरेक्टली, बट हाँ मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए अगर अच्छा गेंस रहता है, और मतलब नंबर्स अच्छे हैं थोड़ा, और नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट देखिए थोड़ा, और उसके बेसिस पर डिसीजन लीजिएगा। और मैं अब क्योंकि मैंने अब इस स्टॉक का एनालाइज कर दिया है तो मैं कवर करते रहूंगा इस स्टॉक को अपने चैनल पे, तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया तो जरूर वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे मुझे मतलब
मतलब मैं ग्रोथ करते रहो यूट्यूब पे, प्लस मुझे और भी मोटिवेशन आपसे मिलता रहे यहाँ पे ग्रो करने के लिए। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आईपीओ से रिलेटेड तो जरूर कमेंट्स में लिखिएगा और मैं ट्राई करूंगा आंसर करने का उसे। सो इस वीडियो के इतना ही, धन्यवाद।